Hello friends, welcome to Shiva Learning. For more updates, you can also log in to our website www.shivalearning.in. So friends, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यूज़ वीडियो में. और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नीट 2019 का जो फॉर्म करेक्शन फैसिलिटी थी उसकी आज लास्ट डेट है, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप करेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या डिटेल्स है NTA की वेबसाइट में, नीट की वेबसाइट में, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शेयर लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें. तो गाइस जैसा कि आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, आज नीट 2019 के एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन करने की लास्ट डेट है. और अगर आपके किसी दोस्त ने या आपने अगर करेक्शन अभी तक नहीं करी है तो आज 11:50 से पहले आप करेक्शन कर सकते हैं. 11:50 के बाद, रात को 11:50 के बाद कोई भी करेक्शन एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी. और गाइज जैसा कि अभी मेरे पास दूसरा अभी पेज खुला हुआ है, बट इससे पहले NTA की मैंने वीडियो बनाई थी, NTA की वेबसाइट की जो स्क्रॉलिंग चल रही थी ब्लू कलर की, उसमें लिखा हुआ था कि फ़ोटोग्राफ की वजह से कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे. अगर आपने अपने फ़ोटोग्राफ पर नाम और क्लिक करने की डेट ये सब आदि नहीं लिखा है और वाइट बैकग्राउंड के बिना भी फ़ोटो अपलोड कर दिया तो इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा. इस पर आपको करेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसके लिए कोई प्रोविज़न भी नहीं बनाया गया है NTA की वेबसाइट में. और गाइज इसके अलावा इस आर्टिकल को पढ़ते हैं थोड़ी सी जानकारी के लिए. टुडे इज़ द लास्ट डेट फॉर द कैंडिडेट्स टू एडिट डिटेल्स इन द नीट 2019 एप्लीकेशन फॉर्म. NTA had started the online form correction facility from January 14, 2019 at ntaneet.nic.in. The candidates were allowed to edit, change, modify details in their application form. Candidates can correct discrepancies if any in their application form today till 11:50 PM. तो गाइस आप 11:50 तक करेक्शन कर सकते हैं. और मैं आपको बता दूँ इसमें आप मोबाइल नंबर, यह आर्टिकल काफ़ी बड़ा है, मैं आपको समराइज करके बताता हूँ. आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के अलावा बाकी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं. ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते. और भी कुछ चीज़ें थी जो आप चेंज नहीं कर सकते, मैंने उस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ मैं. और उसके अलावा अगर आपको जेंडर और अगर कैटेगरी आपको चेंज करनी है, जो कास्ट की कैटेगरी होती है जनरल, OBC, SC, ST एक्सेट्रा, वो सब आपको चेंज करनी है, तो फिर उसके लिए आपको एडिशनल फ़ीस पे करनी पड़ेगी और वो आज ही पे करनी पड़ेगी. तो गाइज ये थी एक इंफॉर्मेशन नीट के द्वारा लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट करने की. अगर आपने या आपके फ्रेंड ने नहीं करा है तो इस वीडियो को उन तक शेयर करें और उन्हें बताएं कि आज लास्ट डेट है और 11:50 से पहले सारी करेक्शन कर लें. और अगर फोटो को लेकर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने इस पर वीडियो बना के आपको पहले ही बता दिया था, आज भी बता रहा हूँ, इसकी वजह से कोई फॉर्म आपके रिजेक्ट नहीं होंगे. उसके अलावा अगर आप कुछ एक बार देखना चाहते हैं कि कोई करेक्शन नहीं है तो एक बार आप जाकर खाली चेक कर लीजिए कि कोई करेक्शन है नहीं है, फादर नेम की जगह पर मदर नेम तो नहीं लिख दिया है, या बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कर देते हैं. ऊपर लिंक आ रही है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को, कॉमन मिस्टेक क्या क्या हो सकती है. एक बार चांस मिला है, वन टाइम करेक्शन है, लास्ट डेट है, आप एक बार बस चेक कर लीजिए कि मेरे से कोई गलती हो तो नहीं गई है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर काफ़ी दिक्कत आती है इसके लिए. तो गाइस ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शेयर लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही हमारी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है. तो मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.